लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिरी पर। बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। कोई ऐसा सवाल जिसे लेकर आप परेशान हैं, आप उसके बारे में मुझसे लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, यानी अपना नंबर शेयर करिए और मैं आपको कॉल करूंगा। उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, अपने फोन से टाइप करें LUV, एक स्पेस दे, अपना मैसेज लिखें, नाम लिखें और भेजें उसे 57272 पर। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। दिल क्या करे। एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप में थी पिछले 16 मंथ से जी, और अभी मैंने रिसेंटली मैंने ब्रेकअप किया अक्टूबर में, बिकॉज जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी उसको मेरे से, मतलब मेरी हर चीज से प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैं किसी लड़कों से बात करती हूँ या मतलब फ्रेंक नेचर, तो उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस थी, तो इस वजह से मैंने ब्रेकअप किया। बट आफ्टर मेरे अंदर एक थोड़ा सा गिल्ट था कि मैंने मतलब ब्रेकअप कर लिया तो मैंने यार गलत किया, वो मुझसे प्यार करता है। बट अब उसने थ्रू सोशल मीडिया उसने मेरे को ये प्रिटेंड किया कि अब वो मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ है, और जस्ट कि वो मेरे को नीचा दिखाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मेरा गिल्ट सही है कि उस बंदे के लिए मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि शायद मैंने गलत किया था। आप 16 महीने तक रिलेशनशिप में थी और उन 16 मंथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई आपके साथ जी, राइट? आप तब अच्छा फील करती थी या अभी अच्छा फील कर रही हैं? अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। That answers your question. देखिए, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तब वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत फेज होता है। वो कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए आपके दिल में घर कर जाती हैं। बट अगर वही आपकी जिंदगी का सबसे कड़वा फेज था, एक ऐसा फेज था जहां आप खुलकर सांस भी नहीं ले पाती थी, तो मुझे लगता है कि किसी तरीके का कोई गिल्ट, कोई मलाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसे समय पर आप बहुत बार कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, ऐसे समय पर आपने भी बहुत बार कोशिश की होगी, हाँ, कि राइट एडजस्टमेंट्स कर सके, उस इंसान को समझा सके, समझ सके। बट जब फाइनली कुछ भी काम नहीं आता ना, देन यू डिसाइड कि अब आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर वो एक बहुत ही कड़वाहट भरा फेज था और अभी आप अच्छा महसूस कर रही हैं, दैट मींस कि आप एक बेटर सिचुएशन में हैं, दैट मींस कि आप एक अच्छी सिचुएशन में हैं। और अगर वो इंसान वाकई आपके लायक होता, ये रिश्ता आपके लिए सुटेबल होता ना, तो उसमें खुशियां होती, उसमें सफोकेशन नहीं होती आपको। और अभी जो वो हरकत कर रहे हैं ना, वो बहुत बचकानी है। सो डू नॉट फील जेलस अबाउट इट। एक्चुअली वो मतलब मुझे ये शो करना चाहते हैं कि मेरे अलावा भी मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनके साथ रह सकती हैं। आपको एक छोटी सी चीज करिएगा, आप लोग फेसबुक पर कनेक्टेड हैं? जी। इससे पहले कि आप उन्हें ब्लॉक करें, अलग अलग जगहों पर घूमना शुरू करिए। दिल्ली में बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, दोस्तों के साथ जाना चाहती हैं दोस्तों के साथ जाइए, और वहां से पिक्चर्स क्लिक करिए और डालिए, एंड लेट हिम रियलाइज कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं उस इंसान के बगैर। और उसके बाद आप कम्प्लीटली ब्लॉक कर दीजिए, वो शायद ज्यादा बेहतर होगा, ताकि वो खामखा इंटरफेरेंस ना हो एक दूसरे की जिंदगी में। या, श्योर। परफेक्ट। थैंक्स। चलो स्माइल तो कर दो थोड़ा सा। या, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बाय।